हाँ तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हमें मैसेज आया कि हमारा पैकेज आ चुका है। तो आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ है क्या, अगर रिकॉर्ड करने देते हैं तो फिर नहीं तो घर आके मिलेंगे। थोड़ा बिजी हूँ, मतलब थोड़ा अर्जेंट है, मतलब थोड़ा जल्दी जाना है। तो पैकेज तो आ गया, हम जाते हैं लेने, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल तो मैं बड़ी मम्मी के घर पे हूँ। अगर नहीं है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई एम श्रवण, आप देख रहे हो शरलॉक्स। तो हाँ, मछली आ चुका है घर और हमने सेट भी कर दिया है। ये दूसरा दिन है, पहला दिन तो वो कुछ खाएगा नहीं, मैंने भी कुछ नहीं दिया। और वो अगर आप अरवाना ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी लाते हो तो वो कुछ खाएगा नहीं और नीचे बैठा रहेगा। मेरा तो बैंगलोर से आया है, आपने देखा ही होगा शॉप का नेम। तो हाँ, मुझे प्राइस बता देता हूँ। मुझे पड़ा अरवाना 1400 का, प्री ऑर्डर पे था तो मुझे तक सस्ते में मिल गया। अगर आप स्टोर में जाके लोगे, अगर उनके पास है तो लगभग 2000-2500 का मिलेगा। तो हाँ, तो ये प्री ऑर्डर के कुछ फ़ायदे होते हैं। और जाके भैया से ज़रूर मिलना, बहुत अच्छे हैं वो, आपको नॉलेज बहुत देंगे। और उनका शॉप बहुत अच्छा रेनोवेट होने वाला है, मतलब और बहुत चीज़ें आने वाली हैं, बहुत एग्जॉटिक फिशेस। उनके पास बहुत भयंकर क्वालिटी के फिशेस हैं, मैंने देखा है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। वो वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तो पैकेट्स में है ना, तो जब स्टोर में पूरा हो जाएगा, सज जाएगा, सब स्टोर में सब एक्वेरियम में चले जाएंगे, तब बहुत भयंकर दिखेगा। वो सारे प्री ऑर्डर वाले फ़िशेस थे और कुछ उनके भी थे जो उन्होंने मंगवाए हैं। और अगली बार जब विज़िट करूँगा तो वो दिखाऊँगा स्टोर में भी, 1 महीना या 1.5 मंथ के बाद बहुत भयंकर बनेगा स्टोर। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड। तो हाँ, प्राइस बता दिया मैंने, फिश दिखा देता हूँ, देख लो स्लोमो, एंजॉय करो। देख ही सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने इतने साइज़ के एक्वेरियम में रखा है तो काफ़ी है। बाद में मैं बड़े वाले में चेंज करूँगा, मेरे पास है बड़ा, तो उसका थोड़ा ऐसे कॉर्नर पे लीक हो रहा है, तो मैं ग्लू लगा के चेक करके फिर बड़े वाले में शिफ्ट करूँगा। फ़िलहाल के लिए काफ़ी है क्योंकि ये छोटा है ना, तो ये ट्रिपल साइज़ इसके घूमने के लिए उसके साइज़ से। तो
तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा। और इसका साइज है 7.5 इंचेस। अब ठीक है, मैंने एक फ्रोजन फूड तो दिया है, अच्छा रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद खाया तो है, देखते हैं। 2-3 दिन तक नहीं खाएगा, मोस्टली नहीं खाएगा, फिर भी अगर खाता है तो ठीक है, घूम तो रहा है, दिखाता हूँ। मैंने जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 12-13-14 इंच का, तब से थोड़ा दिक्कत आएगा इसको घूमने में, क्योंकि अरवाना उसको ना वो बहुत घूमते रहते हैं, तो उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। और वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन मीट यू सून, गुड बाय एंड पीस।